हेलो दोस्तों, मैं अनुराग गुप्ता नवी मुंबई महाराष्ट्र से। दोस्तों, एक हमारे पास चाइना का टीवी आया हुआ है जो असेंबल टीवी बोलते हैं, और इसमें प्रॉब्लम है, लोगो हैंगिंग पे था, तो हमने सैमसंग वाली रिमोट वाली सॉफ्टवेयर की है, तो डुअल पिक्चर आ रही है, देखने का कोशिश भी करेंगे। डुअल पिक्चर आ रही है और सैमसंग वाली रिमोट वाली हमने इस भी सॉफ्टवेयर मारा है, और बोर्ड नंबर हम आपको दिखा देते हैं, तो बोर्ड नंबर देखने का कोशिश करेंगे। TP.HB553.PC821 है दोस्तों, और ये बोर्ड 43 50 55 में ये बोर्ड आती है, 4K मदरबोर्ड है, और ये असेंबल टीवी है चाइना ब्रांड। तो हमने सैमसंग रिमोट वाली इसमें यूएसबी सॉफ्टवेयर यानी रिकवरी की है, तो डुअल पिक्चर आ रही है, तो हम इसको सिंगल पिक्चर करेंगे। तो इसमें हालांकि दोस्तों मैपिंग नहीं आती है, बस डुअल पिक्चर आती है। तो इसका सर्विस मेनू है, मेनू 1147 कोड डालेंगे तो खुल जाएगा। तो मेनू 1147 डायरेक्ट खोलेंगे तो दोस्तों नहीं खुलेगा, इसमें सोर्स में जाया जाता है, सोर्स दबा के ए भी या HDMI ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तब खुलेगा दोस्तों। तो हमने ए भी मोड सेलेक्ट किया है, और इसके बाद फिर इसमें मेनू का बटन दबाएंगे और 1147 यानी 1147 कोड डालेंगे तो इसका सर्विस मेन्यू खुल जाएगा। तो दोस्तों हमने 1147 हमने कोड डाला है, और देखने का कोशिश करेंगे, डुअल सर्विस मेन्यू खुला है। तो सबसे पहले ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है दोस्तों, उसके बाद इसमें जाना है आपको पैनल सेटिंग में दोस्तों, और कहीं छेड़छाड़ी नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है दोस्तों, पैनल सेटिंग में जाना है। अगर छेड़खानी करेंगे तो दोस्तों RGB में चला जाता है, यानी बर्निंग मोड में चला जाता है, तो उससे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना है। पैनल सेटिंग में हम गए, ओके बटन हम दबा देते हैं, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पैनल डिवीजन, देखने का कोशिश करेंगे, हालांकि थोड़ा मोबाइल से ब्लर हो जा रही है, तो देखने का कोशिश करेंगे। पैनल डिवीजन है तो उसको लेफ्ट या राइट करेंगे तो सिंगल पिक्चर हो जाएगा, देखिए दोस्तों सिंगल पिक्चर हो गया। तो उसके उस पर लिखा रहता है वन डिवीजन लिखा हुआ है, तो उसको ओके किया हमने, और उसके बाद बैक बटन भी दबा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बंद भी कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट बंद कर देते हैं टीवी को, तो डायरेक्ट हम टीवी को बंद कर दिए। फिर टीवी को दोस्तों डायरेक्ट चालू करेंगे आपके सामने, तो टीवी को हमने डायरेक्ट चालू किया और ये सिंगल पिक्चर में दोस्तों ये आ जाएगा। घबराने की कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों, हालांकि अधिकतर टेक्नीशियन डर जाते हैं जो नए में होते हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है। तो देखने का कोशिश करेंगे, हमने इसमें सिंगल हो गया है ये रिमोट से, और ये सिंगल पिक्चर आ रही है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए एपिसोड के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।